पवई में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की पवई की खबरें कुछ इस प्रकार है। पवई की सड़कों की हालत हुई खराब, हर साल की तरह लोगों ने जताई बीएमसी से नाराजगी। शुरुआती बारिश मुंबई के लिए अच्छी खबर लाई। शहर को पानी पहुंचाने वाला पवई लेक में इस बार हर बार की तुलना में अधिक पानी का स्टॉक पाया गया। डीवाईएफआई ने पेरू बाग और पवई में खाना वितरण अभियान का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर वहां के रहवासियों का मानना है कि उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। पवई की कस्टम कॉलोनी ने की बीएमसी को शिकायत। भारी बारिश और जल जमाव के कारण नागरिकों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। पवई के हिरानंदानी में एमएलए दिलीप लांडे के नेतृत्व में हुआ वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन। आदेश बांदेकर थे मुख्य अतिथि। ऐसे ही पवई से जुड़े खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम पवई। दिस इज साई पंचाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्राइम टाइम स्टूडियो।